जितना आपने शायद राजधानी या दुरंतो जो कि प्रीमियम ट्रेन्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इट्स नॉट दैट गुड। अरे आप लोग आ गए, नमस्ते जी, स्वागत है सबका मेरी नई ट्रैवल सीरीज़ में। लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं कोलकाता में नहीं हूँ, तो मैं हूँ किधर, वेयर एम आई? इस जवाब के लिए कहानी में चलते हैं थोड़ा सा पहले एंड देखते हैं जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी। तो शुरू करते हैं। तो अभी आप सबको पता चल गया कि मैं चेन्नई में हूँ, लेकिन चेन्नई में मैं क्या कर रहा हूँ? तो चेन्नई में मैं अपनी बहन से मिलने आया था, फिर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ। तो उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने। तो अभी आपने देख लिया मेरे बर्थडे, आपको पता चल गया मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई से मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये आपको पता चल ही जाएगा कुछ टाइम में, बिकॉज़ आज की इवनिंग की मेरी ट्रेन है फ्रॉम चेन्नई एंड आई एम हेडिंग आउट समवेयर विथ माय डैड। सो ऐसा है, ट्रिप का आइटनरी बनने वाला है कि पहले पार्ट ऑफ द ट्रिप विल बी विथ माय डैड, सेकंड विल बी विथ माय फ्रेंड्स। दो बहुत ही अलग अलग स्पॉट्स में जाने वाला हूँ, सो इट विल बी रियली रियली फन। सो अभी मैं एक बहुत ही खास मेंबर के साथ बैठा हूँ टेरेस पे इतनी गर्मी में, एंड वो इंसान बहुत ही बेकरार है आप सबसे मिलने के लिए। वो इंसान कोई और नहीं, मेरी खुद की भांजी है, एंड उसने मुझे बहुत बड़ी चीज़ बोली है। तो फाइनली आई गॉट द चांस कि मैं इस चीज़ को आप लोग के सामने कैमरा के थ्रू बोल पाऊँ। तो मनोगे जब 7 साल की थी उसने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी, एंड इट्स वेरी शॉकिंग दैट इस उम्र में कोई बच्चा बुक लिख रहा है, वो भी ईच एंड एवरीथिंग स्टोरी से लेकर सब कुछ उसका आइडिया था। सो इट्स अ बिग थिंग। तो अभी मनोज्ञा अपनी बुक के बारे में कुछ बोलेगी, जस्ट हियर इट आउट। हेलो एवरीवन, आई एम मनोज्ञा महेश्वरी। आई हैव रिटन अ किड्स बुक। इफ योर एज इज बिटवीन 6 to 10 इयर्स, देन दिस बुक इज परफेक्ट फॉर यू। इफ योर एज इज नॉट बिटवीन 6 to 10 इयर्स, then you can recommend it to someone else whom you know has an age of between 6 to 10 years. And to know what this book is about, you better read it. Thank you. और ये book Amazon, Flipkart और इनकी जो publisher की site है सब पे available है। I'll put all the links down in the details. भांजी इसलिए promotion नहीं कर रहा, पता है book बहुत बढ़िया है, मैंने खुद पढ़ी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और एक बच्चे ने बच्चों के लिए किताब लिखी है, माइंड बॉगलिंग, जाके चेक करो, इट्स गुड। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, इस गर्मी में शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, भागने वाला मैं नीचे। तो आप सीधे मिलेंगे चेन्नई स्टेशन पे, टू वेयर यू फाइंड आउट, यू फाइंड आउट। तो अभी पहुंच गए स्टेशन, एंड दिस इज़ चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस टू रामेश्वरम। हमारी कोच है AC फर्स्ट क्लास, लेकिन कोच है A1, जिसमें लिखा है AC 2 टायर। लाइट्स अभी ऑन होगी तो अभी अंदर जाएंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो अभी हम अपने कूप में आ चुके हैं। एक कोच है HA1, उसमें आधा आपके AC 2 टायर है और बाकी में 3 केबिन्स है, जिसमें 2 आपके जो केबिन होते हैं 4 लोगों के लिए और 1 कूप है। कूप हमें मिल गए हैं, मे बी बिकॉज हमने ओरिजिन स्टेशन से लास्ट स्टेशन तक पूरा बुकिंग की है, तो पता नहीं या किस्मत चमक गई इसका तो नहीं पता। बट कूप में आप देख सकते हो कि ऊपर का एक बर्थ, नीचे एक बर्थ मिला है, एंड दिस इज़ द स्पेस वी हैव ओवर हियर।
तो ये पूरा स्पेस हमारा है एंड यहाँ पे स्टेज है टू क्लाइंब आपके अपर बर्थ में एंड यू हैव दिस डोर आप। हाँ, मैंने जितनी मैंने देखी है आपके पुराने वीडियोस यूट्यूब पे, बट इसका कूप मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। आई गेस उतनी खास फैसिलिटी नहीं लगी, बट आई गेस मेंटेनेंस ठीक से नहीं इस ट्रेन का। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ परफेक्टली फाइन। एंड अगर मैं टिकट फेयर की बात करूँ तो इट कॉस्टेड अस चेन्नई से रामेश्वरम अराउंड 2300। शाम 7:15 पे छूटती है ये, सुबह 8:10 के अराउंड रामेश्वरम आपको पहुँचा देगी। सो अभी डैड आए हैं तो डैड के साथ ये जर्नी होने वाली है, तो लेट्स आस्क हिम कि उनका क्या एक्सपीरियंस एंड व्हाट ही टेक बेसिकली ऑन दिस कूप कोच। बेसिकली ही इज ट्रैवलिंग एसी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टाइम। बताओ बाबा, कैसा लगा आपको? अरे हमें जो तो बहुत अच्छा लगा। एसी टू टायर में भी सफ़र किया, स्लीपर क्लास में भी सफ़र किया मैंने और जनरल में भी सफ़र किया। मैंने तीनों का मज़ा लिया। फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दुरंतो एसी में ट्रैवल किया है, एसी फर्स्ट क्लास में, वो केबिन था, बट कूप मेरा पहली बार है। तो अगर कूप में अगर आपके सब है, फैमिली वाले ही है, एक बंदा है, या आप अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हो, इट्स फन। आपको ज़्यादा कुछ इशू होना नहीं चाहिए, बट हाँ, यहाँ पे जैसे गेट पे कुछ लॉक सिस्टम मुझे दिखा नहीं, यू कैन लॉक योर गेट। बाकी तो ठीक है, कर्टन्स वगैरह हैं, बट अगेन मेंटेनेंस इस ट्रेन की उतनी कुछ खास लगी नहीं मुझे। स्विच ओके इश, तो स्विचेस में बेसिकली आपका ये एक बेल स्विच है बुलाने के लिए, या आपका चार्जिंग अडाप्टर, अगेन फैन स्विच, बेल स्विच, लाइट्स। आपको अगर दुफानी कारनामे करने हैं तो ट्रेन रोकने की चेन भी है, एंड अगेन कर्टेंस। ये सीट यहाँ गिर जाएगी आपकी इस साइड में, तो थोड़ा सा डबल बेड वाली वाइब्स आपको आएंगी। तो यहाँ लोअर बर्थ में आपकी एक रीडिंग लाइट्स यहाँ पे हैं और एक यहाँ, अपर बर्थ में एक सिंगल लाइट है। सो रीडिंग प्रोस्पेक्टिव से ठीक है, एंड आई स्विच इट ऑन। एंड वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक है, मतलब दिखने लायक समथिंग वैसा कुछ नहीं है जितना आपने शायद राजधानी या दुरंतो जो कि प्रीमियम ट्रेन्स हैं उसके कंपेरिजन में अगर आप देखो तो इट्स नॉट दैट गुड, बट एक रात निकालने के लिए इट्स मोर देन एनफ। सो ठीक है, अगर ऑन इन एवरेज इस ट्रेन को मैं रेट करूँ तो आई सी 7 अच्छा है। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एसी कूप या एसी फर्स्ट क्लास का, 2300 में आराम से एक्सपीरियंस करो। मोर ऑल सब कुछ सेम ही होता है, बस जो दुरंतो राजधानी जो ट्रेन्स होती हैं उसमें आपको प्रीमियम कैटरिंग सर्विस एंड थोड़ा सा और अच्छा प्रीमियम मिलेगा, बट उनकी टिकट्स भी 6000-7000 के रेंज में आती है। सो दिमाग में आप ये रखें, बिकॉज 6000-7000 अगर आप स्पेंड कर रहे हो और अगर आपके पास टाइम की लिमिटेशन है तो ऑब्वियसली कोई भी फ्लाइट प्रेफर करेगा, बट अगर एक्सपीरियंस लेना है तो यस बोल सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। और ये है ट्रेन की रनिंग स्पीड, अभी क्लोज टू कभी 99 कभी 98 अभी 103 उसने लिमिट रीच की थी, अगेन 101 सो इट्स फ्लक्चुएटिंग, डिसेंट स्पीड है। जो आपकी राजधानी होती है वो रन करती है 125-126 किलोमीटर पर आर की स्पीड में अप्रॉक्सीमेटली, वो लिखते 160 जाती नहीं है, 160 आई मेंट, बट इट यूजुअली गोज अराउंड 126-125 के आसपास। और जैसे बाकी इसी फर्स्ट क्लासेस में आप देखते हो कि आपको खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, इसमें खाना नहीं मिलेगा आपको। तो आप जब भी रामेश्वरम की जर्नी प्लान करो फ्रॉम चेन्नई इस ट्रेन के थ्रू, खाना लेकर चढ़ना वरना डिफ़िकल्टी फेस होगी। तो चेन्नई में आपको खाने के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, सो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सो बेटर है कि आप अपने ऑप्शंस लेके चले, और पानी वगैरह आप अटेंडेंट को बोल देते हो तो आपको एक्स्ट्रा बॉटल्स आपको पे करने पड़ेंगे, आपको मिल जाएगा पानी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा। तो अभी अपर बर्थ में बैठा हूँ एंड एम्पल हेड स्पेस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऐसे बैठना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे बैठ सकते हो। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड चैनल में नए हो तो बाकी सीरीज़ भी मैंने बनाई है, देर इज़ उत्तराखंड सीरीज, देर इज़ लद्दाख सीरीज एज वेल, प्लीज़ डू वॉच देम एज वेल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हवा टाइट है, सोते हैं, adios amigos.